एम्स, एक ऐसा नाम जिसका नाम भारत के सरकारी अस्पतालों में सबसे ऊपर लिया जाता है। वजह साफ है, यहाँ का सस्ता इलाज। देश भर के तमाम ऐसे लोग जो महंगे अस्पतालों का बोझ नहीं उठा सकते, या यूं कहें कि आर्थिक परेशानी से जूझते वो लोग जिनके पास महंगे इलाज के पैसे ही नहीं है, वो तमाम लोग सस्ते इलाज के भरोसे देश भर से यहाँ आते हैं। लेकिन अब सस्ते इलाज का आसरा रखने वालों के सपनों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अब देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में अब लोगों को इलाज कराना महंगा पड़ सकता है। आपको बता दें कि एम्स को यूजर चार्जेस को लेकर मिनिस्ट्री का लेटर आया है, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जा रही है। हर पहलू पर जांच करने के बाद अलग अलग सेंटर और डिपार्टमेंट रिव्यू करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। एम्स अपने मरीजों को कई प्रकार की छूट देता है, अब उस छूट और डिस्काउंट की भी समीक्षा होगी। हालांकि संस्थान ने अभी शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि एम्स में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन की फीस में इजाफा हो सकता है और 10 से 25 रुपए में होने वाले रूटीन टेस्ट के रेट भी बढ़ाए जा सकते हैं। एम्स ने वित्त मंत्रालय के ऑर्डर पर रिव्यू शुरू कर दिया है। संस्थान की हाल में हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हुई। अभी एम्स में यूजर चार्जेस के तौर पर 10 से 25 रुपए तक लिए जाते हैं। इससे पहले वर्ष 2005 और 2010 में भी एम्स की आय को बढ़ाने के लिए रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और खून जैसी जांच पर लिया जाने वाला शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फैकल्टी, डॉक्टर और सांसदों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। वर्ष 2015 में अस्पताल की वित्त समिति में भुगतान चार्ज में 20 से 30 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। अब देखना होगा कि वित्त मंत्रालय के इस फैसले पर क्या मुहर लग पाती है, क्योंकि देश भर से मरीज सस्ते इलाज की वजह से यहां आते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।